हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज CGPSE मेंस के पेपर 3 सेक्शन 2 पॉलिटी पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो मेंस राइटिंग है ये प्री से बिल्कुल भी अलग है, इसका जो अप्रोच है ये बिल्कुल डिफरेंट है प्री से। देखिए, लिखना क्या है वो आप ही समझेंगे, क्योंकि अपनी मौलिकता, अपने यूनिकनेस के साथ जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सब सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छे माने जाएंगे। देखिए, मगर लिखने से पहले किन किन बातों की सावधानी रखनी है, हमारी चर्चा आज उसी पर होगी। क्योंकि लिखना क्या है, लिखना कैसे है, लिखने का फॉर्मेट, जो आपके पास नॉलेज, इसको कंपाइल कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, प्री जो होता है, प्री नॉलेज का परीक्षण है, ठीक है। देखो, समझो, जो प्री का जो एग्जाम होता है ये नॉलेज है, पूरे नॉलेज का परीक्षण है। मगर जो मेंस का अप्रोच है, वो मेंस जो है ये एकदम समझ लीजिए, मेंस जो है एकदम क्या है, कम में झमाझम है, ठीक है। कैसे कम में झमाझम है बोलोगे, तो देखिए यहां से देखो, प्री के एग्जाम जो होते हैं उसके नंबर्स नहीं जुड़ते, मेंस और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि जो आयोग है वो मेंस एग्जाम से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। आप बात को समझिए, जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं तो आपके पास संसाधन कम होते हैं, और कम में आपको क्या करना है, एकदम झमाझम करके दिखाना होता है। तो वो जो चीजें हैं वो आपको यहीं से चालू करनी होती है। मेंस में भी क्या होता है, देखिए मेंस में आपको शब्द सीमा दी जाती है कि 30 शब्द लिखना है, 60 शब्द में लिखना है, ऐसे 100 शब्द में लिखना है, और आपके को लाइन दी जाती है कि हाँ इतने लाइन में लिखना है, इतने लाइन में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, फील्ड पर भी ऐसा होता है, आपके पास इतना ही है और इतना में ही लोगों को कल्याणकारी काम करने हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करने हैं। तो ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। नॉलेज का ये टेस्ट नहीं है, एकदम आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि नॉलेज आप प्री में उसने चेक कर लिया कितना नॉलेज है, क्वालिफाई करके आए हो, वो चाह रहा है कि आपके नॉलेज को क्या आप कंपाइल कर सकते हो, क्या क्या उसको समराइज करके अरेंज कर सकते हो क्या। तो वो अरेंजमेंट जो है वही है आपका मेंस। तो यही लिखा हुआ है, देखिए लिखना क्या है, कैसे है, उत्तर को अरेंज कैसे करना है, यही एक्चुअल में मेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके नॉलेज को नहीं चेक कर रहा है, आपके लेखन कौशल या लिखने के तरीके को वो चेक करना चाहता है। देखिए, जब आप लिखते हैं तो गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है, लिख दिए, ठीक, ओके। आपको चुनाव सही और गलत में नहीं करना है, आपको चुनाव सही और ज़्यादा सही में करना है। जहाँ पर ज़्यादा सही जो है वो सही हो जाएगा, और जो कम सही है वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग मेंस को अलग अप्रोच से लेकर चलेंगे। देखिए, किन किन बातों को सावधानी रखनी हमको, वो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको लेखन कौशल में अनावश्यक शब्द लिखने से बचना चाहिए, और हो सके तो क्या करना चाहिए, उनका उपयोग कम करना चाहिए। अब बोलोगे कैसे, आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आप अनावश्यक शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक। हमारी जो कॉलेज की मानसिकता है फेकोलॉजी वाली, वो चलते आ रही है, हमको पता ही नहीं चलता जब तक हमारा मूल्यांकन ना हो कि ये सही नहीं है, ये गलत जा रहा है, ठीक। देखो, जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट मैंने ऐसे ही लिखे समझाने के लिए, ये वाला अप्रोच समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या है, उदाहरण है, मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए और देखिए कि क्या इसमें कुछ गलत लिखा है क्या। पढ़िए तो, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है, और नाम लिखते हैं जो कि क्या है, जो कि इस प्रकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लिखा आंसर ये गलत नहीं है, ये सही है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आधा नंबर पकड़ा दिया जाएगा, जाइए झुंझुना बजाइए। अब कैसे करोगे, यहीं पर हमको समझना है, ये गलत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश भी देख लो, देखो इंग्लिश में भी मान लो ऐसे लिखे, हाउ मच आर द फंडामेंटल राइट्स वी हैव, तो देखो 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपके पूरे आपके क्या है, राइट्स। तो ये गलत आंसर है क्या, यही तो है ना, छह ही तो मौलिक अधिकार है, ठीक। तो इसमें क्या सुधार हो सकता है, यहीं पर समझना है, अनावश्यक शब्द क्या है, इसी को हटाना है, ठीक। पॉज लीजिए, आप भी देखिए कि आप होते तो किन किन को, किस किस शब्दों को हटाते, ठीक। तो ध्यान से समझिए, यही चीज तो सिखाता है मूल्यांकन करना। देखिए गलत लिखा है, गलत नहीं बोलेंगे इसको, कम अच्छा बोलते हैं, ठीक है, गलत कुछ नहीं होता है, ठीक। जब राइटिंग की बात आती है, प्री नहीं है ना, कि गलत तो सही में चुनाव करने हैं, हमको ज्यादा सही और कम सही में चुनाव करने होते हैं। देखिए यहां पर, देखिए मौलिक अधिकार क्या है, चूंकि वो पूछ रहा है भारतीय, क्योंकि हमारा पेपर ही छत्तीसगढ़ का है तो कहां से जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप, भारतीय ये अनावश्यक शब्द हो सकता है। एक और बात, यहां पर क्या लिखा है, 6 प्रकार। ये देखिए, कभी भी कोशिश कीजिए जब आप राइटिंग जो है, जैसे आप मैथ्स के पेपर को छोड़ दिया जाए, तो जब आप राइटिंग करते हैं तो अंकों को जब भी आप लिखें तो उसको शब्दों में लिखें। जैसे ये 6 लिखा है
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं छह। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं तो दो प्रकार के होते, तो ऐसे नहीं लिखना है, बचे इससे, ठीक है। कैसे लिखे? दो प्रकार लिखे, दो प्रकार। हमारा जो फ्लो है यही बना होता है शॉर्ट में, जल्दी हो जाए करके। जैसे तीन, तीन प्रकार से बताया गया है, तो तीन को कैसे लिखेंगे आप? तो ऐसे लिखें। तो हमेशा जब भी अंक आए तो आपको शब्दों में उसको लिखना होता है या लिखना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये हमारा पास कम सही है, ठीक है, गलत तो है नहीं, कम सही की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, बताया गया, ये ज़्यादा लिखा हुआ है, बताया गया है, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है, जो कि इस प्रकार है, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है। पता चलता नहीं है, एकदम फ्रेशर जब रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता, ठीक तो है था यार, क्या हो गया, गलत कर दिए। तो चेक करने वाला काट नहीं रहा, वो जान रहे कहां पर। और बार बार देखिए, अधिकार 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 रहा, दो नंबर में आपको कम समय मिला है, आप इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको सोचना है एक बार कि मैं अपने आंसर को कैसे सुधार सकता हूं। तो इसका सीधा सा वो है कि आप मूल्यांकन करें या मूल्यांकन करवाएं, ठीक, बार बार अपने राइटिंग करें और मूल्यांकन करवाएं, जिससे क्या होगा, आपकी गलतियां पता चल रही और सुधरेगा, ठीक। तो ये एक दिन का खेल नहीं है बेटा, हलवा नहीं है ये, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। हालांकि है छोटी छोटी बातें, बट बहुत काम की बातें। तो चलिए देखें, एक फॉर्मेट देखते हैं कि क्या सुधार हो सकता है। देखो ये आपका इस तरह भी तो हो सकता है ना, लाइन को कम किया जा सकता है। संविधान में छह मौलिक अधिकार वर्णित हैं, बताया गया है, काट दिए, वर्णित है, क्या ये गलत था क्या? बिल्कुल सही है। तो आपको शब्द जो है चुनना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप अपनी मौलिकता बनाए रखिए, आप कुछ भी उस वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तभी यूनिकनेस आएगी और आपको नंबर मिलेगा। तो वर्णित है मैंने कहा, और उसके बाद क्या हो, यथा हो गया, यथा, यथा में उसके बाद आ गया। देखिए अधिकार तो है, पहले पूछता, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लास्ट में लिख दिया अधिकार। तो यहां पर आप क्या करते हैं, शब्द को कम कर सकते हैं, अनावश्यक शब्दों को से बच सकते हैं। अनावश्यक बोल रहे हैं बार बार, ऐसा मत करना कि कम करने चक्कर में उसका मौलिक जो चीजें हैं जो बताना चाहते हो वही चला जाए, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी देखिए, देखिए कैसे है, सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज, देखो तो वहां पर कितना ज्यादा लिखा था, यहां पर सच एज में ही खत्म कर दिए। तो इंग्लिश तो बहुत आसान होता है, हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं उसको बचना है, अनावश्यक शब्द प्रयोग नहीं करने हैं। ये मैंने छोटा सा ऐसा एग्जांपल लिया, हम लोग जब क्लास आएंगे तो हम लोग विस्तृत रूप में इसको चर्चा करेंगे कि और क्या क्या शब्द होते हैं। जैसे और देखिए, और भी क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं कॉलेज वगैरह में, लिखते हैं करते हैं, जाता है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो अन्यथा मतलब बिना मतलब के हम यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप यूज़ करके देखना, ये आप सेल्फ आपका एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, कैसे करना है आपको। देखिए तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अब इसमें क्या गलत, सही तो है। अब मैं इसमें लिख दूँ, लाया जाता है कि लाते हैं लिख दूंगा, तो क्या गलत है क्या? ये जाता है, जाता जो है ये कम हो गया हमारा। तो ध्यान देना है कि हम कहाँ पर वर्ड्स को कम करके अपनी बात को रख सकते हैं, पूरी बात समझाना भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, उसको हमको कम करना होता है, पहली बात आपको ये ध्यान देनी है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो देखिए दूसरी बात, देखिए उत्तर छोड़ो, आप स्टार्ट करो प्रश्न से। हम गलती कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जैसे ही कुछ आ गया हम सीधा लिखना चालू, हमको उत्तर से पहले प्रश्नों को समझना है कि प्रश्न कैसे है, इसका स्वरूप क्या है, यह पूछना क्या चाहता है। यह बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा इसका मूल सार क्या है, वो क्या चार क्या रहा है। देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ, देखिए 10 प्रकार से मैंने लिखा है, अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, समझाइए। ये सारी चीजें लगभग 99% अपने आप में अलग है अलग, और हम क्या करते हैं सबको एक में चेपे रहो, बस राष्ट्रपति आ गया कुछ नहीं, आंख मूंद के सब उसका लिख देना, यहीं पर हम गलत कर देते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान देना है, प्रश्न को पहले समझना है, उत्तर छोड़ दो, उत्तर गया भाड़ में, अभी छोड़ो, पहले अभी क्या करना है, उत्तर से पहले प्रश्नों का स्वरूप समझना है कि वो चाहता क्या है पूछना आपसे, ठीक। चलो एक दो एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे अंतर वाला स्पष्ट, अंतर स्पष्ट कीजिए या समझाइए, ऐसे करके अंतर स्पष्ट, अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि अंतर स्पष्ट कीजिए या समानताएं बताइए, समझ लो लॉटरी लग गई। कभी भी हम बचपन से करते आ रहे हैं, अंतर स्पष्ट करने वाला अगर प्रश्न आए तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट अंदर करके जो बॉक्स बना के बताते हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियां देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे नंबर दिख जाएंगे मिले हुए। तो अंतर या समानताएं बताते हैं तो आप क्या करिए, बॉक्स देखिए, जितना भी जो एग्जामिनर है उसको आप सरल करके प्रस्तुत करोगे, आसानी से वो समझ जाएगा, वो नंबर देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिया, ये प्रश्न क्या है कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए या धन विधेयक और साधारण विधेयक समानताएं बताइए, तो ये आपको लिखना है, दो नंबर में लिखना है, मान लो चार नंबर में लिखना है। तो क्या करना है, देखिए दो नंबर जो छोटे प्रश्न होते हैं
छोटे प्रश्नों में हमेशा फैक्ट को लगाइए, फैक्ट 4 से 6 फैक्ट आप लगा दीजिए दो नंबर में, और उससे जैसे 4 नंबर पूछ रहा तो उसमें ज्यादा फैक्ट लगा दिए। हमेशा 2-3 अप्रोच लेके चलना है, फैक्ट और करंट को जोड़ के, बड़े प्रश्नों में फैक्ट और करंट को जोड़कर बनाएंगे तो आपके नंबर बहुत कम कटेंगे। तो जो 2-4 नंबर है उसमें फैक्ट टू फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। देखो तो धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या है, ये आपके अंतर है, ये अंतर हमेशा ऐसे लिखना ज्यादा सही होता है। मैंने ये नहीं कहा कि गलत हो जाएगा अगर वैसे नहीं लिखोगे, तो धन विधेयक ऊपर लिख दो और आपका साधारण विधेयक ऐसे, वो मैं बोला पहले ही बोल चुका हूं, अच्छा और बहुत अच्छा में हमको निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो और भी यूनिकनेस हो सकती है, बट अंतर हम बचपन में ही बुक्स में भी देखते आ रहे हैं, अंतर को हमेशा ऐसे बॉक्स बना के, टेबल बना के लिखा जाता है और आपको भी ऐसे लिखना चाहिए। तो देखो कैसे है, जैसे धन विधेयक क्या है, तो इसमें ऋण के प्रावधान होते हैं, कर संबंधी प्रावधान है, संचित निधि से धन आहरण संबंधी प्रावधान होते हैं, तो धन विधेयक ये है। ये क्या है, सामान्य जो विधियां होती है, जो कानून होते हैं वो होते हैं। जो धन विधेयक है इसको मंत्री प्रस्तुत करते हैं, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ये सारी चीजें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए, उसको भी एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। एक पढ़ेगा तो दूसरा पढ़ना नहीं पड़ेगा उसको, इतना ज्यादा स्पष्ट रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, उसमें क्या लिखेंगे, अंतर है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, वो पढ़ेगा ही नहीं उसको, उसका भी टाइम बचा, आपको भी फायदा मिला। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अंतर जब पूछे या समानताएं पूछे तो टेबल बनाना ज्यादा उचित होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में भी बहुत आसान हो जाएगा, ये इंग्लिश में हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस ओनली द लोकसभा, ठीक है, इंट्रोड्यूस लोकसभा एंड राज्यसभा कैन एनीवेयर, तो ये सब जो है चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा देखो, ये तो हो गया आपका, कौन सा हो गया, अंतर स्पर्श करिए। मान लो एक और प्रश्न आ गया, जैसे पूछ ले कि अर्थ समझाइए या परिभाषित कीजिए, ठीक है, ऐसे लिखे मौलिक अधिकार को परिभाषित कीजिए या मौलिक अधिकार को समझाइए, अर्थ समझाइए, तो कैसे करोगे, तो देखिए जो पूछा है वही बताइए पहले, ठीक है, इधर उधर की बिल्कुल भी बातें नहीं करनी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो ठीक है, जो बहुत सारे प्रश्न हैं और एक दिन में ये होना संभव नहीं है, हम इसको और विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए एक, इसलिए ये पे इस पर चर्चा करते हैं, परिभाषित कीजिए अर्थ समझाइए। तो अगर मान लीजिए पूछा है कि परिभाषित कीजिए मौलिक अधिकार को, परिभाषित कीजिए, तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखो, छोड़ो अर्थ और नहीं, सबसे पहले क्या लिखना है उत्तर में, लॉस, मैंने लिखा है लॉस्की के अनुसार क्या है, अधिकार समान के विवस्या वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये जो है सबसे पहले परिभाषा लिखिए, उसके बाद जगह बचा तो उसके बाद क्या कीजिए आप, उस कहने का अर्थ ये है कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है जो किसी संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त, तो ये जो चीजें हैं इसको पहले, जो पूछा हुआ है उसको पहले कीजिए। मान लीजिए इसको पलट दे, अर्थ समझाइए, तो पहले आप क्या कर दो, अर्थ को लिख दो और परिभाषा को कोट कर दो, ठीक है, नीचे में कोट कर दो। इससे क्या होता है, स्पष्ट रहता है कि जो पूछ रहा है आप क्या वो बता रहे हैं कि नहीं, झेलवाने वाला काम नहीं होना चाहिए, स्पष्ट है, इसलिए वो लाइन को दिया है भाई, वो आपका कहानी वहानी कॉलेज वाला नहीं चलेगा, ठीक है, और रहते वैसे कॉलेज के प्रोफेसर ही हैं और बोलते कॉलेज वाला अप्रोच नहीं चलेगा, ठीक है। देखो ऐसे जैसे बोसाके क्या कहते हैं, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और क्या करता है, राज लागू करता है, ठीक, इसको आप डिकोड कर कोड कर दिए और उसके बाद अपना जो कहना चाहते हैं मौलिक अधिकार के बारे में आप समझा दिए। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच को रखना है, जो पूछा है स्पष्ट रूप से उसी पर चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है, ओके। तो प्रश्नों का अप्रोच कैसा होना चाहिए, प्रश्न समझने हैं कि कैसे आते हैं और हमको कैसे उसको टैकल करना होता है, कुछ भी नहीं लिख लेना है, सबके मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद और चर्चा करते हैं, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन मीनिंग एंड एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो एक और चीज हम अक्सर गलती करते हैं, अपने चिन्हों में विराम जो चिन्ह होते हैं वहां पर हम लोग बहुत गलतियां होती हैं और जो चेकर होता है वो उस बात को समझता है। जैसे आप भी जानते हैं कि जब से ही हमारा चिन्ह बदला हमारा अर्थ बदल जाते हैं, कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है ये भी ध्यान देना होता है, ठीक है। रोको मत जाने दो, तो ये जो कॉमा का चिन्ह है वो पूरा अर्थ बदल देता है, तो बात को समझे, यहां पर विराम चिन्हों का भी बहुत प्रयोग है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। कब आपको पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है, कब आपको अल्प विराम लगाना है, कब आपको उद्धरण या आपका अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है, इन्वर्टर का, सिंगल वाला, डबल वाला, कब आपका विवरण चिन्ह, देख कई बार हम विवरण अक्सर हम इसका यूज करते हैं, विवरण चिन्ह का कब करना है विवरण चिन्ह, ये सब को भी ध्यान में देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देना, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पूरा तो नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे उद्धरण चिन्ह का ले लेते हैं। जैसे उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कौन सा होता है, एकल होता है जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल होता है जैसे डबल वाला युगल होता है जिसमें दो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमा किसी भी वाक्यांश को, शब्द को, छोटे छोटे जो शीर्षक होते हैं, लेखक होते हैं, उसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। पता चले सिंगल में ही सबको लिख दिए, ठीक है, सिंगल में सबको नहीं लिखना है,
ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए जैसे लोकतंत्र है, छोटा सा शब्द है लोकतंत्र, उसको अगर हाईलाइट करना चाहते हो आप तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख दो, ठीक है, और पंथ निरपेक्ष जो आप चाहते हो कि वो हाईलाइट हो जाए, वो शब्द हाईलाइट हो जाए, उसको सिंगल में कर दीजिए, ठीक। और डबल में किसको करते हैं, तो कभी भी किसी भी बात को डिट्टो कॉपी करने के लिए, किसी भी परिभाषा को देने के लिए, या फिर कहावतों को जो गति उतारने के लिए, हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी संविधान की जो परिभाषा ली थी उसमें मैंने आपका देखे, जैसे ये जैसे संविधान की परिभाषा है, तो मैंने मुसाके का आपका क्या लिया था, कथन लिया था, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक। तो अगर पूरे 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 शब्द को लिखना है, डिट्टो लिखना है, तो हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देना है कि सिंगल कब करना है, डबल करना है कब करना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, आपका पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, इस बात को भी ध्यान देना है। देखिए होता बहुत ईजी है, रहने के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। तो ये अल्प विराम को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, तो इसके बाद देखो, ये तो बता दिए ना, लास्ट देखिए, एक छोटी सी क्लास में सभी बातें बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो ये सब के ध्यान में रखते के साथ साथ आप हमेशा स्पीड को मेंटेन करना, टाइम जो है इसमें कम पड़ता ही है। अक्सर जब आप देखना टॉपर का जब चर्चा होती है तो वो हमेशा जिक्र करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लिखना है, बहुत सारे प्रश्न है, और एक दिन में दो दो पेपर होता है, यानी तीन तीन घंटे, छः घंटे का पेपर आपको सीटिंग पहले तो कैपेसिटी बनानी है। तो अभी से आप ये कीजिए कि आप से हफ्ते में कोई भी एक दिन लीजिए अभी से कम से कम दो पेपर बनाने का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। और एग्जाम आने से कुछ दिन पहले या एक महीने पहले आप तीन तीन पेपर का बनाइए, तब जाके दो पेपर में आराम से बैठ पाएंगे, ठीक। और ये जो कैपेसिटी है ये बनाने नहीं बनाएंगे तो वहां दिक्कत होगी। अगर आप देखो कुछ भी लिखो कुछ तो मिलेगा ना, वैसा नहीं होता जैसे एग्जाम पहले होता था स्कूलों में, मगर आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए स्पीड बहुत मैटर करती है, और आपको स्पीड का ध्यान रखना है, और इसके लिए सतत प्रयास आपका आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्री तो हो गया, प्री का बात ही नहीं करना है। जो मेंस सिलेबस है कभी भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाता, हमेशा मेंस जो है, मेंस जो हमारा सीजीपीसी मेंस है, ये हमेशा सिलेबस पे ही रहता है। तो सिलेबस से बाहर एक ठो नहीं पढ़ना है, ये बात को भी ध्यान देना है कि सिलेबस से बाहर हमको नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, ओके। उसके बाद देखिए पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं और जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी अभी सीजीपीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, मॉक टेस्ट लगाना है, जरूरी है, कंपलसरी है। मॉक टेस्ट लगाइए, पिछले वर्षों को टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए रोज आपका आंसर चेक होगा तो फिर गलतियाँ पता चलेंगी, और धीरे धीरे सुधारिए। एक दिन का खेल नहीं होता, ये धीरे धीरे क्रम से चलने वाला चीज होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया क्या देखना है, करंट को क्या है, आपको करंट को जोड़कर रखना है, करंट और फैक्ट, हमेशा याद रखिएगा फैक्ट से भागिएगा नहीं, फैक्ट जरूरी है। जो प्री का जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत काम आता है, तो फैक्ट को करंट से जोड़कर जब व्याख्या करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे आ गया आपका, जैसे एक आ गया आलोचना कीजिए या आलोचनात्मक विवरण कीजिए, तो आलोचना में आलोचना लिखना है, तो आप क्या करिए, पहले आप क्या करिए, इंट्रो कर दिए फिर आलोचना कर दिए। आलोचनात्मक विवरण में क्या करेंगे, इंट्रो देंगे फिर आप आलोचना करेंगे, और फिर आपको क्या करें, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें भी लिखनी है। और जब आप लिखें तो उसको करंट से जोड़ के देखें, करंट से जो भी आपके डेटा है उसको फिल करें, फैक्ट को डालें, तो आपके नंबर गेन होंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं दो नंबर चार नंबर वाले, वहाँ पर पूरा पूरा फैक्ट ही लिखना होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा फैक्ट लिखेंगे आपको उतना अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। विस्तृत चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्लास वगैरह जब है हमारी जो इंटीग्रेटेड बैच है एक माह से जो चालू हो रही है, उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। और अभी एक क्लास में तो इतना होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है इतना आप ध्यान में रखें, फिर और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।